प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संबंध एवं फलन के उदाहरण नंबर 1 से 6 तक को हल करेंगे। तो यहां पर पहला उदाहरण है, मान लीजिए कि कैपिटल ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। इसमें कह रहा है किसी बालकों के स्कूल, यानी स्कूल में केवल बालक हैं। दर्शाइए कि आर ए कामा बी सच दैट ए बी की बहन है। अब बताइए बच्चों, स्कूल में सभी बालक हैं और इसमें कह रहा है बताइए ए कामा बी की ए बी की बहन है। तो यहाँ पे जब स्कूल में बालक हैं तो ये बहन कहाँ से आ गया, यानी उस स्कूल में बहनों की संख्या 0 है। यानी जब बहन एक भी नहीं है तो वो एक रिक्त संबंध है, यानी वहाँ पे केवल बालक हैं। तो ये जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, वो एक रिक्त संबंध में आएगा। तो इसमें लिखेंगे और देखिए आगे, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। इसमें दिखाना है कि एक रिक्त है तथा आर डैश ए कामा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वधिक संबंध है, यानी सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, R इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए कामा बी की बहन है। अब इसमें देखिए लिखेंगे कि किसी बालकों के स्कूल में बालिका नहीं हो सकती, किसी बालकों के स्कूल में बालिका नहीं हो सकती, बालिका नहीं हो सकती, तब क्या होगा बच्चों? तब यहाँ लिखेंगे, अतः जब स्कूल में बालक केवल हैं, बालिका नहीं है, तो ए और ए बी की बहन नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे, अतः ए बी की बहन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अब देखिए बच्चों, जब उसमें कोई लड़कियां ही नहीं हैं तो ए बी की बहन कहाँ हो सकती? ऐसे स्थिति में जो रिलेशन होगा वो एक रिक्त रिलेशन होगा, रिक्त यानी जो संबंध होगा वो रिक्त हो जाएगा। तो अब इसका हम दूसरा देखें, ये वाला। तो इससे पहले लिखेंगे आर डैश सच दैट ए कामा बी ए तथा बी
की ऊंचाइयों का अंतर, ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। इसमें देखिए बच्चों, अभी तो यहाँ पे वहन का तरीका अपनाया था, अब यहाँ पे कह रहा है यदि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम, तो द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो इसमें देखिए, आप ए में से अगर बी को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 3 मीटर से कम आएगा। तो इसमें लिखेंगे कि यह स्पष्ट है कि, अब इसको हम किस बेस से बोल रहे हैं, मैंने आपको ये संबंध बताया था सार्वत्रिक संबंध, तो उसी बेस से इसको हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे यह स्पष्ट है कि, किन्हीं दो बालकों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से ही कम होगा, 3 मीटर से ही कम होगा। तो ये जो संबंध होगा बच्चों R डैश A क्रॉस A, इस चीज को मैंने बताया था कि A और A का गुणा करेंगे, जो यहाँ पे R डैश मिला है वही A क्रॉस A में मिलने पर हमें प्राप्त होगा। तो लिखेंगे R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। तो इसमें दिया गया कि मान लीजिए कि कैपिटल टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में रिलेशन t1, t2, t2, t2 के सर्वांगसम है। अब यहाँ t2, t2 के सर्वांगसम का मतलब है सभी त्रिभुज जो है स्वयं के सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज ये t1 होना चाहिए। तो इसमें t1, t2 के सर्वांगसम है। तो इस स्थिति में हमें बताना है कि एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता का मतलब है कि मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों कि हमें दिखाना है स्वतुल्य और सममित और संक्रामक, यदि ये तीनों होते हैं तो R संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए बात करें, हल स्वतुल्य के लिए क्या जानते हैं, यदि स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये फार्मूला सब लोग जानते हैं। यानी अगर ए कैपिटल ए में हो तो ए कामा ए आर से संबंधित होगा,
तो इसमें हम लिखेंगे कि जो यहाँ पे दिया गया है T1, T2, T1 सर्वांग सम है तुल्यता, तो अगर हम T1 केवल ले लें, और सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज खुद के लिए सर्वांग सम होता है, यानी स्वयं के लिए। अब ऐसा ही समझिए कि कोई भी व्यक्ति है और वो स्वयं के लिए तो बुद्धिमान होगा ही, अब दूसरे के लिए हो चाहे ना हो तो वो स्वयं के लिए बुद्धिमान ही होता है। यानी हर आदमी जो है अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए और खुद को बुद्धिमान समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज खुद के लिए सर्वांग सम होता है। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लो। खुद के लिए मतलब स्वयं के लिए। अब इसमें आगे लिखेंगे कि जो T1, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, T1 belongs to A, तो T1, T1 belongs to R, यानी ये स्वयं R से संबंधित होगा, तो यहाँ लिखेंगे T1, T1 के सर्वांग सम होगा। T1, T1 के सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः R स्वतुल्य है, अतः कैपिटल R स्वतुल्य है। तो इसका जो दूसरा है वो सममित हमें दिखाना है। अभी तो मैंने स्वतुल्य दिखाया, अब हम सममित के लिए, अगर सममित के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो सममित के लिए आप जानते हैं कि A1, A2 belongs to A, तो A1, A2 R से संबंधित होगा। तो ऐसी स्थिति में A2, A1 भी R से संबंधित होना चाहिए। ये तो सूत्र हो गया। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखेंगे कि जो T1, यहाँ लिखेंगे T1, T2 इसके बेस पे बिलोंग्स टू R, तो यहाँ लिख देंगे T1, T2 के सर्वांग सम होगा। अगर T1, T2 के सर्वांग सम होगा, यानी T1 का अंग T2 के समान है। अब समझिएगा, T1 का प्रत्येक अंग T2 के समान है, तो T2 का भी प्रत्येक अंग T1 के समान होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए T2, T1 belongs to R,
टी टू टी वन के सर्वांगसम होगा। अतः जो आर है वो क्या है, सममित है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर सममित है, अतुल्य सममित। अब देखेंगे संक्रामक, संक्रामक के लिए, तो यहाँ पर संक्रामक के लिए अगर बात करें तो ये जो टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर, और यहाँ लिखेंगे टी वन टी टू के सर्वांगसम है, तथा एक दूसरा लेते टी टू टी थ्री बिलोंग्स टू आर, और यहाँ लिखेंगे टी टू टी थ्री के सर्वांगसम है। अब देखिए बच्चों, जब T1 T2 के सर्वांगसम है, यानी T2 का प्रत्येक अंग T1 के समान है, और यहाँ पे कह रहा है T2 T2 कामा T3 R से संबंधित है, तो T2 T3 के सर्वांगसम है, यानी T2 का प्रत्येक अंग T3 के समान है। जब यहाँ पे T1 T3 के समान है, अगर 30 अंग इसमें है तो 30 इसके हैं। अब यहाँ कह रहा है इसके 30 अंग T3 के बराबर हैं, तो यानी अगर 30 अंग इसमें हैं तो 30 T3 के होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जितने अंग T1 के होंगे उतने ही अंग T3 के होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः T1 T3 R से संबंधित है, इसलिए T1 T3 के सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सममित भी है और स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, तो जो R है एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, तथा आर यल वन कामा यल टू सदैव यल वन यल टू पर लंब है। तो समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर सममित हैं, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, उतार लेते हैं। R बराबर L1 कामा L2 सच दैट L1 कामा L2 पर लंब है। अब स्थिति में अगर बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले स्वतुल्य देखना है। तो यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, तो जैसे हम कोई इसमें करा यल वन यल टू पर
लंब है। तो आप जानते हैं कि समतुल्य में जो है ये फार्मूला होता है, ए बिलोंग्स टू आ ए, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होता है। अब इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर ए ए का अवयव है तो ए कामा ए आर से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे इसमें हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है क्या यह स्वतुल्य है। तो इसमें अब इस रिलेशन का मतलब क्या है कि कोई रेखा जो है स्वयं पे लंब होती है क्या? तो ऐसा तो आप लोग नहीं पढ़े हैं कभी भी कि कोई रेखा जो है स्वयं पे लंब हो, एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब होती, ये हमने पढ़ा था। लेकिन कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी रेखा कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं हो सकती, खुद पर लंब नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में L1 R से रिलेटेड होगा, लेकिन ये जो है समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य अतः R समतुल्य नहीं है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग सममित। तो सममित में सममित के लिए क्या होता है कंडीशन? सममित के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है कि यदि A1 A2 कैपिटल A का अवयव है तो A1 A2 R से संबंधित होगा। ऐसी स्थिति में A2 कामा A1 भी R से होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ जाता है तब तो सममित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि L1 R से संबंधित है, यानी L1 अगर ये L1 हो जाए और ये L2, तो आप देख रहे हैं L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, यानी ये एक दूसरे पर क्या है लंब, L1 L2 पर लंब है, इसलिए L2 L1 पर भी लंब है, L2 L1 पर भी लंब है, यानी दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों कि जो R है वो क्या है सममित है, अतः R सममित
तो इसमें देखिए बच्चों, संक्रामक में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए आप जानते हैं कि ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू ए। ऐसी स्थिति में ए वन कामा ए टू बिलोंग्स टू आर, और ए टू कामा ए थ्री बिलोंग्स टू आर, तो ए थ्री कामा ए वन या ए वन कामा ए थ्री बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए। ये फार्मूला मैंने पढ़ा है। अब इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम दो रेखाएं लें, तीन रेखाएं ले लेते हैं, यल वन यल टू यल थ्री। ये मान लीजिए किससे रिलेटेड हैं, ए से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा यल वन यल टू से संबंधित है, तो यल वन यल टू पर लंब होगा, यल वन यल टू पर लंब होगा, और यल टू एक तीसरा ले लेते हैं, यल थ्री। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लें, ये यल वन की रेखा है और ये यल टू, यल वन यल टू, यल वन यल टू पर लंब है, लेकिन अगर एक ये यल टू है, यल टू यल थ्री पर लंब है, तो अगर यहाँ पे एक यल थ्री रेखा खींच दें तो आप देख रहे हैं कि ये और यल टू क्या हो जा रहा है, समांतर, तो लंब कहाँ से होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ लिख देंगे यल टू यल थ्री पर लंब होगा, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन लेकिन यल वन यल थ्री के, देख रहे हैं ये यल वन है, ये अगर यहाँ पे खींच दें ऐसे, तो ये यल वन ये यल थ्री एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, ऐसे फिर समझिए, ये दो ये यल वन ये यल टू। अब यल टू यहाँ पे यल टू यल थ्री पर लंबा है, यल टू यल थ्री पर लंबा है, तो ये यल वन और यल टू यल थ्री एक दूसरे पर लंब होना चाहिए, तभी आर से संबंधित होगा, लेकिन यहाँ पे समांतर हो जा रहा है, तो यहाँ लिखें के समांतर होगा। ऐसी स्थिति में यल वन यल थ्री इज नॉट रिलेटेड टू आर, अतः आर आर संक्रामक नहीं है। आर संक्रामक नहीं है। प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य हैं, परंतु न तो सममित हैं और न ही संक्रामक हैं। स्वतुल्य के लिए आप जानते हैं स्वयं आदमी स्वयं के लिए बुद्धिमान होता है,
तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य के लिए में लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ए बराबर ही उतार लेते हैं, 1, 2, 3 और आर क्या क्या दिया, 1, 2, 3, 1, 2, 2। तो स्वतुल्य के लिए मैंने कहा था कि अगर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तो a, बिलोंग्स टू आर में होगा। यहाँ हम लिख देंगे वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं सममित के लिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर इसमें से एक ले लें तो एक बिलोंग्स टू ए, यानी एक ए से एक अवयव है, तो 1, 1 आर से संबंधित है कि नहीं है, देखो 1, 1 आर से है। तो यहाँ पे दो इसमें है, 2, 2 आर से है, 3 इसमें है, 3, 3। तो ये तीनों जो है 1, 2, 2 ये किसको प्रदर्शित करते हैं, स्वतुल्य को। तो यहाँ लिखेंगे कि 1, 1 ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, 2, 2, 3, 3 आर में होने चाहिए, अतः आर स्वतुल्य है। अब सममित के लिए बात करेंगे, सममित के लिए अगर बात करें तो 1, अगर सममित का कंडीशन क्या जानते हैं, a1 a2 बिलोंग्स टू ए, तो a1, a2 ये R से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसी स्थिति में a2, a1 भी R संबंध, अब यानी कि अगर 1, 2 A में है, 1, 2 A में है, ठीक है, तो 1, 2 R से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए 1, 2 फिर जब उसको पलटेंगे, 2, 1 भी आर में होना चाहिए, तो यहाँ पे 2, 1 आर में कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो ये सममित नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2। इसको लगाने के कई तरीके हैं प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को दिखाकर, या जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर में नहीं है, तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। अब हम स्वतुल्य के लिए बात करें, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, अब संक्रामक के लिए बात करेंगे। संक्रामक के लिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 3 होने चाहिए,
एक कामा तीन आर में होने चाहिए, यहाँ पे दिख रहे कामा तीन कहीं नहीं है, तो जो नॉट इक्वल टू आर, तो यहाँ पर कहा लिख देंगे आर संक्रामक नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। प्यारे बच्चों आप देखें कि यहाँ पे सतुल्य है और न तो सममित है और न ही संक्रामक है। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक समुच्चय के समुच्चय जेड में आर ए कामा बी सच दैट संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन इससे उतार लिया है। तुल्यता का मतलब इसमें स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों होने चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि स्मॉल ए जो है स्मॉल ए ये जेड के अवयव हैं और इसके लिए अगर बात करें तो संख्या 2 को विभाजित करती है। विभाजित करती है तो यहाँ लिखेंगे अतः ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए संख्या 2 को विभाजित करती है तो ए कामा ए भी आर से रिलेटेड होगा। ऐसी स्थिति में कैपिटल आर स्वतुल्य होगा। अब हम लोग सममित के लिए बात करते हैं। सममित के लिए यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। यानी अगर ए कामा बी आर से रिलेटेड है तो संख्या 2 जो है ए माइनस बी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर इसी को हम पलट दें यानी बी कामा ए बिलोंग्स टू आर तो संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है। अब ए माइनस बी कहो चाहे बी माइनस ए 2 से अगर विभाजित हो रहा तो वो भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में आर एक सममित संबंध है। सममित संबंध है संक्रामक। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। संक्रामक ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर संख्या 2 ए माइनस
बी को विभाजित करती है। विभाजित करती है। ऐसी स्थिति में बी कामा सी संख्या आर, ये आर जो है ये भी दो से विभाजित होगा बी माइनस सी को। तो इस स्थिति में हम कहें तो ए माइनस बी तथा बी माइनस सी दोनों ही सम संख्या हैं जो कि जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी तथा बी माइनस सी दोनों ही सम संख्या हैं जोड़ने पर सम संख्या को विभाजित करती है। तो ऐसी स्थिति में जो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर से संबंधित होगा तो आर संक्रामक होगा। और जब आर संक्रामक होगा तो लिखेंगे अतः आर तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 7, तो R A कामा B A तथा B दोनों ही या तो विषम है या सम है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के समुच्चय अवयव दूसरे से संबंधित हैं और उस समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से सम्मिलित। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो ये है और एक ये, तो इसका हम ऊपर वाला हल कर देते हैं, नीचे वाला आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, आर बराबर 20 सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में हम लोग पहले चेक करते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य के लिए चेक करें तो यहाँ कैपिटल ए का प्रदत्त कोई अवयव स्मॉल ए या तो सम है या विषम, यानी ये जो है तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए का
प्रदत्त कोई अवयव स्मॉल ए या तो सम या विषम है। ऐसी स्थिति में अतः ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो जो आर होगा वो स्वतुल्य होगा। अब देखते हैं इसका सममित सम्मित के लिए सममित के लिए अगर सममित के लिए इसमें बात करेंगे तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ऐसी स्थिति में ए तथा बी दोनों या तो सम है या विषम, सम है या विषम। तो यहाँ पे जो बी भी जो है ऐसी स्थिति में बी तथा ए दोनों या तो सम होंगे या फिर विषम। जब ये स्थिति पैदा हो जाए तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित है। अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए अगर बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे इसमें तीन स्टेप चलते हैं। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए तथा बी दोनों या तो सम हैं या विषम, या विषम है, या तो सम है या विषम है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे स्थिति में बी तथा सी दोनों या तो सम होंगे या फिर विषम होंगे। तो ये दोनों या तो सम है या विषम, बी और सी भी या तो सम है विषम, तो ए और सी भी या तो सम होगा या फिर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए तथा सी या तो सम होंगे या विषम। इस स्थिति में ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक है।
संक्रामक, तो यहाँ लिख देंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और इसमें ये जो सिद्ध करने के लिए दिया है ये आप अपने से कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन है।